वेलकम टू लहरे स्मॉल स्क्रीन, और आप आज हमारे साथ हैं आसिम रियाज। सो आसिम, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, समथिंग लाइक नेवर बिफोर हैपेंड इन माय लाइफ, एंड मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूं अपने आप को टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक द टीम कलर्स एंड एंडमॉल फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड बिलीविंग इन मी, एट द सेम टाइम ऑडियंस को फॉर बिलीविंग इन मी एंड टेकिंग मी फॉरवर्ड इन दिस बिग बॉस की गेम में। एंड आई वॉज जस्ट बींग माई सेल्फ, द रियल मी, द रियल फ्रेंडशिप, द रियल लव एंड द रियल एनिमी एंड द रियल एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल जर्नी एंड लवली एक्सपीरियंस। सो ट्रॉफी का इतने करीब पहुँचने के बाद जब नाम अनाउंस किया कि सिद्धार्थ शुक्ला विनर है, क्या आपके दिमाग में चल रहा था, कैसा फीलिंग हुआ, क्या चल रहा था वो टाइम? डिसअपॉइंटमेंट हुई थोड़ी सी, क्योंकि जुनून था जीतने का, बट फर्स्ट रनर अप ऑफ द यू नो द बेस्ट सीजन एवर ऑफ बिग बॉस, एंड बाहर निकल के जो रिस्पॉन्स दिख रहा है एंड सब बोल रहे हैं कि तो हमारे लिए जीता है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लव, एंड आई एम जस्ट गोना बी द सेम एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। सो आने से, घर में आने से पहले आप एक बहुत अननोन फेस थे लोगों के लिए, देन बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्या आपको उम्मीद थी इतने आप फेमस हो जाएंगे? उम्मीद ज़रूर है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे चीज़ें होती हैं, उम्मीद कभी मत छोड़ो, और मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और आप लोगों ने वो प्यार दिखाया और यहाँ तक पहुँचा है। सो डोंट लूज़ होप, डोंट लूज़ फेथ, कीप प्रेइंग एंड कीप हैविंग फेथ इन योरसेल्फ एंड वर्क आउट एवरी डे, दैट्स इट। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आपने देखा कि आपके बहुत झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दोनों हुए, पुश हुआ, मारामारी हुई, उसके वजह से क्या? इट वॉज सिचुएशंस ऐसे थे, पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं कर रहे थे, टास्क में थोड़ा एग्रेशन निकल जाता था क्योंकि वो टास्क वैसे थे, बट थोड़ा लड़ाई हो गया, हाथ वाथ थोड़ा यू नो धक्कम दुखी हो गई, बट एवरी थिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड दैट वॉज अ टास्क, बट हो गई चीज़ें, ठीक है, इट्स ओके, माफ़ भी किया हमने एक दूसरे को, पैचअप भी हुआ उसके बाद, फिर नोक जो, क्योंकि क्या था, इतनी सही दोस्ती थी, उसी का ऑपोजिट हो गया, उतनी दुश्मनी हो गई, बट फिर चीज़ें आस्ता आस्ता ठीक होती गई। तो इट इज़ मोर द सिचुएशन एंड यू रिएक्ट, एक्शन रिएक्शन है, कोई आपको कुछ बोलता है तो आप रिएक्ट करते हो, एंड उस जगह आप इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी को। सो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो, एंड जो हुआ सो हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, एवरीबडी इज़ आउट एंड विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। सो ये सीजन में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टास्क कैंसिल हो रहे थे, बहुत बार कैंसिल हो रहे थे, उसके बाद भी वार्निंग दिया, फिर भी कैंसिल हो रहे, उसके वजह से क्या रीज़न हो सकता है? कैंसिल इसलिए थे कि क्योंकि किसी को हार मंजूर नहीं थी और पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग थे, तो ये सही था ये गलत था, तो उस वजह से बल का प्रयोग हो रहा था लड़कों में, लड़कियों में हो रहा था, तो उस वजह से बिग बॉस चाहते थे, क्योंकि ये शो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है फिजिकली, सो वो टास्क रोक दिया जाता था, तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न। अभी आप हिमांशी के साथ बहुत लिंकअप देखने मिला, सो वो कंटिन्यू आप दिखेगा आगे या? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा, दिस इज़ फॉर एवर एंड आई रियली लव हर एंड आईव जस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड हिमांशी इज़ देखने को, सॉरी आई वाज जस्ट लॉस्ट हियर, क्या देखने को मिलेगा इन द सेंस रिलेशन? यस 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 यस, टू मैनी इंटरव्यू, हाँ यस, रिलेशन है, साथ में ही है एंड वी जस्ट लव ईच अदर एंड दैट्स इट एंड ब्राइट फ्यूचर। क्या मिस करेंगे बिग बॉस के बारे में? एवरीथिंग बिग बॉस चाहते हैं कि सभी घर वाले, यू नो बिग बॉस की आवाज़, बिग बॉस का घर, सुबह उठना, वो गाना, एवरीथिंग मैन, लॉट ऑफ मेमरीज। जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और रैप भी अगर एक गाने रैप में कि हाँ मैं सारी दुनिया चिनाक माया विलो की बोल देवे आपा करके वखाया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव सपोर्ट, डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ, कीप वर्किंग आउट एंड दैट्स द मेडिसिन फॉर यू, नथिंग एल्स, थैंक यू सो मच।